नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सिकंदरपुर गन्ना क्रय केंद्र पर आज किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का आरोप था कि दूर दूर से गन्ना लेकर क्रय केंद्र पर आने से जहां उनकी ट्रैक्टर और ट्राली 10 दिनों से तौल न होने के कारण फंसी पड़ी है, वही ट्राली पर ही गन्ना सूख रहा है, जिससे आक्रोशित किसानों ने आज गन्ना क्रय केंद्र पर ही हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा तथा थानाध्यक्ष अतरौलिया दिनेश कुमार यादव मौके पर पहुंच गए और किसानों को समझाने के बाद तौल शुरू करा दी। तो इस सेंटर पर करीब 15 ट्रालियों पर लदे गन्ने जो सूख रहे थे उसे तुरंत तौल कराने का निर्देश दिया गया। एक किसान की बात सुनवाते हैं। 5 दिन से गन्ना खड़ी है, उसके बाद कह रहे हैं जड़ है सूखी है, इसलिए गन्ना कह रही सूखी है नहीं लिया जाएगा। आपका नाम क्या? कहाँ? विनोद सिंह, रतुआ पार। गन्ना 5 दिन से ट्राली खड़ी हुई नहीं जा रही? हाँ, 5 दिन से खड़ी। आप किस जगह पर लाए हैं इसको तोड़ने के लिए? ये सिकंदरपुर। हाँ, यहाँ तौल नहीं हो रही है? नहीं। कितने दिन से ट्राली है आपकी? 5 दिन से। 5 दिन से। हाँ, एक हफ्ता से खड़ी है सर। तो क्या दिक्कत परेशानी हुई इसके बारे में बताइए। गन्ना आई है, वही ट्रक व्रक नहीं सर, तौल नहीं हो रही है, गन्ना सूख रहा है, बोले हैं सूखा है गन्ना। तो आज आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आंदोलन करने के खड़े हैं? यहाँ पे SDM साहब आए हैं, क्या बोले आप? SDM साहब बोले अभी तौल मतलब होगी, देख रहो यहाँ पे।